जो लोग 20 हाँ को सुन्नत कहते हैं, उन लोगों का गलती कहाँ है? क्या वो रिवायतें जो है ज़ैब पेश कर रहे हैं, या फिर उन लोगों को समझने में मतलब भूल हो रहा है, या फिर क्या चीज़ है? क्योंकि हर बार हर साल अगर आएगा फिर ये टॉपिक आता रहता है, हर साल रमजान आता है 8 या 20, ये कई सालों से चलता रहता है, तो गलती कहाँ पर हो रही है? भाई, बहुत सारे मसाइल हैं जो इख्तलाफ चला आ रहा है। हाँ, लेकिन जब भी मसले का इख्तलाफ होगा तो हर आदमी को यह हक हासिल है कि भाई जो सही बात है लोगों के सामने रखें। अब जहाँ तक गलती की बात है, तो जितनी भी वो रवायतें पेश करते हैं वो ना सिर्फ ज़ईफ़ हैं बल्कि उनके ज़ईफ़ होने पर अहले इल्म का इत्तेफाक है। ये जो 20 रकत तरावी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करते हैं उसके ज़ईफ़ होने पर इत्तेफाक है। यानी तमाम जो मुस्तनद और मोतबर इम्मा है, जरहो तादिल का इम्मा है, उलमा है, वो सब उस रवायत को ज़ईफ़ बोलते हैं। तो लोगों को ये बताना तो ज़रूरी है कि असल सुन्नत क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल तरीका क्या है। अब बाकी लोगों की मर्जी है वो किसको चुनते हैं किसको नहीं चुनते हैं। जी, जजाक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। आई प्लस टीवी ने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है आई प्लस टीवी इख्तलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जजाकल्लाहु खैर, वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।